तब तक उसे कुछ कर दिया ऊपर, तो छोटे वाले ने देखा वो घबरा गया, तो उसको भी पकड़ के मार दिया उसने। पांच हजार रुपए दिए, चाय बना रही थी बहू रानी, तब तक मेरे बच्चे काटते। अरे दैया मैं कैसे चैन पड़ू मेरे बच्चे की, मेरे कोई डरेगा मेरे। 19 मार्च की रात उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ऐसा हादसा हुआ कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक परिवार जो कल शाम तक आम जिंदगी जी रहा था, आज वहां पुलिस, मीडिया और लोगों की भीड़ जमा है। इस परिवार ने अपने हंसते खेलते दो बच्चों को खो दिया है। घर के सामने रहने वाले नाई के मन में ऐसा क्या आया कि उसने उस तरह से दो मासूम बच्चों को किसी जानवर की तरह काट डाला? मरने वाले बच्चों का गुनाह क्या था? घटना के वक्त बच्चों का परिवार कहाँ था? इस हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों का क्या हुआ? कुछ ऐसे ही सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, तो आइए जानते हैं कि 19 मार्च की रात बदायूं में क्या हुआ था। मामला बदायूं की बाबा कॉलोनी का है। दो घर जो आमने सामने बने हुए हैं, कथित तौर पर उनके बीच अनबन रहती थी। एक घर जहां विनोद कुमार अपनी पत्नी, तीन बच्चों और माँ के साथ रहते हैं, वहीं उनके घर के सामने जावेद और साजिद नाम के दो शख्स नाई की दुकान चलाते थे। 19 मार्च को रात 7:30 से 8 बजे के बीच साजिद विनोद के घर आया और उनकी पत्नी को बताया कि उसकी बीवी अस्पताल में भर्ती है और उसे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। विनोद की पत्नी जो घर पर ही पार्लर चलाती है, उसने साजिद को पैसे दे दिए, जिसके बाद साजिद छत पर चला गया। साजिद के पीछे उसे भैया कहने वाले विनोद के दो बेटे आयुष और अहान भी चले गए। आयुष की उम्र 13 साल और अहान की उम्र 7 साल बताई जा रही है। जैसे ही दोनों भाई छत पर पहुंचे, साजिद ने छोटे भाई को पानी लेने के लिए नीचे भेज दिया और बड़े भाई पर उस तरह से वार करके उसे मार दिया। छोटा भाई चीख सुनकर छत पर गया तो साजिद ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। साजिद के सिर पर ऐसा खून सवार था कि उसने तीसरे भाई को भी घायल कर दिया। भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई भाई। अच्छा, बच्चों और उसकी माँ की चीखें सुनकर मृतकों की दादी और पड़ोसी जो हैं वह घर पर इकट्ठा हो गए। जान गंवाने वाले आयुष और अहान की दादी और माँ के बयान सामने आए हैं। सुनिए बच्चों की दादी ने क्या कुछ बताया। 6 से 6-7 बजे का टाइम था। अच्छा। उनसे बोला बहू से कि हमारी बाप भर्ती है अस्पताल में, महिला अस्पताल में, और हम बड़े परेशान है, हमारे 5 बच्चा तो खत्म हो गए, अब जो डिलीवरी है इसमें कुछ समस्या है पैसों की। तो हमारे बेटा को फोन किया बहू ने कि 5,000 रुपए दे दें, तो उन्होंने कि हाँ सही है, अब परेशान है, दे दो, दे देगा कल उल में। वो पैसे निकाल के दिए और बोली अच्छा तो भैया तुम परेशान हो तो तुम आराम से बैठो, हम चाय बनाते हैं, तुम चाय बनी रखी अब भी। तो बोले हमारा मन नहीं लग रहा, ऊपर चले जाए, नहीं चले जाओ टाइम पास कर लो, जानकारी ना होती तो ना करते, पास का ही है जे। ऊपर मेरे बड़े वाले को ले गया, वो तो जानता था जे नाई भैया भैया कहते थे कि भैया मेरे बाल काटो, दोनों बच्चे भैया कहते थे साजी, कहते थे हाँ हाँ, उससे नाई से भैया जी बोलते थे, कोई दीदी दीदी बोलते थे, मन गलत ना बोलते थे हमारे कि भैया जी। उन्हें बुला के ले गया बड़े वाले को, अब पता नहीं छोटे वाले से तम्बाकू मंगाई बीच वाले से, छोटे वाले से पानी मंगाया वो 6 साल वाले से, अब वही उनको काट दिया। हमें पता नहीं बीच वाला आया भाग के, अम्मा अम्मा क्या हुआ, अम्मा क्या हुआ, जो बहू गई भाग के, इन्हें बुलाया ऐसे करके, उसकी इतनी बुद्धि खराब। जे लौटे आई ऊपर से, अब जब इन्हें देखा छुरी उरी, अरे मम्मी भागो भागो, मैं फिर बाहर भागी, जब देखा तब तक यहाँ आ गया जे बड़ी छुरी, मैंने खुद देखी हाथ से। हाँ, जब हम बाहर निकल गए, हमने कहा जल्दी गेट बंद करो, जब मैंने गेट बंद कर दिया दोनों, मैंने बुलाए सब पड़ोसी बुलाए, पुलिस बुलाई, तो पुलिस ही यहाँ से उतार के तब ले गए उसे। ये साजिद अकेले था कि उसका भाई भी? दोनों भाई दोनों थे, जावेद भी, जावेद दोनों दुकान चलाते, दोनों ही आए थे। साजिद जावेद दोनों 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 भाई आए थे। अच्छा। हाँ, दोनों उनसे बहुत से बात हुई। साजिद अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। हाँ, पैसे नहीं दिए थे? दिए थे। उसके बाद भी? उस पहले 5,000 रुपए पहले दिए थे ना,
5000 रुपए दिए, चाय बना रही थी बहू रानी, तब तक मेरे बच्चे काट दिए। घटना के वक्त बच्चों की माँ भी घर पर मौजूद थी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। वो सामने नीचे आया तो वो छोटे वाले को पानी लेने भेज दिया, वो बड़ा वाला तब तक उसे कुछ कर दिया ऊपर, तो छोटे वाले ने देखा वो घबरा गया, तो उसको भी पकड़ के मार दिया उसने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हत्या करने वाले साजिद की भी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। जो बयान बच्चों की दादी और पड़ोसियों ने दिया है और जो सूचना पुलिस ने दी है, उन कड़ियों को जोड़ा जाए तो साजिद घर के अंदर था और घर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे ताकि साजिद भाग ना पाए। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उसने दरवाजा खोलकर साजिद को पकड़ा। इस दौरान पुलिस और साजिद के बीच मुठभेड़ भी हुई जिसमें साजिद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार साजिद की उम्र 22 साल बताई जा रही है। पूरी घटना में जावेद का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। बच्चों की दादी और पिता के मुताबिक साजिद जावेद के साथ ही उनके घर पर आया था। हालांकि पड़ोसियों ने सिर्फ साजिद को ही देखा और पुलिस से भी सिर्फ साजिद की सूचना मिली है। आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा ने फोन पर उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार से बात की जिसमें उन्होंने साजिद के एनकाउंटर की सूचना दी। फोन पर उन्होंने क्या कुछ बताया सुनिए। सर नमस्कार, ये जो बदायूं की जो घटना हुई है उसमें क्या हुआ है, क्या अपडेट है और कैसे हालात है? सर 8 बजे के करीब की घटना है और उसमें कोतवाली थाना क्षेत्र में एक साजिद नाम का व्यक्ति है। ये अपने घर के अपने दुकान के सामने एक घर में गया था जी, विनोद के यहाँ जी, और वहाँ इनका कोई आपसी विवाद था और उसने चाय पीने के चाय बनाने के आदेश दिए या रिक्वेस्ट किया। उसके बाद से अचानक किसने वहाँ उनके 3 बच्चे हैं विनोद के, आयुष, अहान और पीयूष पे प्रहार कर दिया जी, धारदार हथियार से जी, और जिसमें आयुष 13 वर्ष और अहान 7 वर्ष की मृत्यु हो गई। पीयूष को बहुत हल्की उंगली में चोट आई है, उसके बाद से भागा। घटना की सूचना मिलने पे पुलिस ने पीछा किया और कुछ देर बाद ही एक मुठभेड़ में साजिद सन ऑफ बबलू, जो प्रारंभिक सूचना मिली है जी, उसे मारा गया जी। तो सभी सभी अधिकारी वहां के रेंज के IG, जोन के ADG, वहां के डिविजनल कमिश्नर, सभी लोग मौके पर हैं, सभी लोगों से वार्ता कर रहे हैं। वहाँ स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। फिलहाल शुरुआती क्षणों में कुछ लोग उत्तेजित थे, उनसे बात की गई, सभी लोगों से बातचीत करके वहाँ शांति बनाई गई है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है जी। इस आरोपी एक था सर, नंबर एक सवाल। दूसरा, उस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था का क्या कायम है, क्या कोई एक्स्ट्रा फोर्स की डिप्लॉयमेंट होगी? वहां से जो बताया गया था, एक ही व्यक्ति की सूचना थी जी, साजिद सन ऑफ बाबू की जी, और वहाँ कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी बाहर से भेजा गया है जी। पहले से भी चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए वहाँ एक कंपनी CAPF थी और सभी फोर्स वहाँ लगातार गश्त कर रही है और सभी पक्ष के लोगों से बातचीत चल रही है। अब वहाँ पर मौके पर पूर्णतया शांति है। मर्डर केस में बच्चों के पिता से भी बात की गई जिसमें उन्होंने बताया कि ना तो उनकी साजिद से ज्यादा बोलचाल थी और ना ही कोई खास व्यवहार था। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। मैं तो उसको, हम तो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए, मैं खुद ही आया 9-10 बजे के करीब अंदाज ऐसे आए थे हम। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छोटा है या भागा है वो जो जाने, बात ये है, बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब दो थे वो, दोनों भाई। आप पहले से जानते थे उसको? व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, हम मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए जाइए, व्यवहार तुम्हारा क्या करना मुझे उससे, कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी, पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है पता नहीं, इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा लगा, थोड़ा चोट लगी हल्की हाथ में, वो दूसरे घर में है।
जी। पुलिस ने बताया कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और आगे की जांच चल रही है। आपको बता दें कि मोहल्ले वालों ने आरोपी भाइयों की दुकानों को जलाकर राख कर दिया है। मामला और ज्यादा बिगड़ता है इससे पहले पुलिस ने भीड़ को शांत कराया। भीड़ तो नियंत्रण में हो गई, लेकिन आयुष और आहान की मौत ने उनके परिवार को हमेशा के लिए एक कसक में छोड़ दिया है कि काश वो अपने बच्चों को बचा पाते। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी विभावरी ने। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।